साल भी बड़ा अजीब निकला। साल की शुरुआती महीने में, दूसरे ही महीने में, फरवरी के महीने में बॉलीवुड ने अपनी चांदनी को खो दिया, तो वहीं साल का आखिरी महीना गुजरने वाला है। और इस साल के गुजरने से पहले एक और बड़ा सदमा बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है। दरअसल खबर आई है कि अक्षय खन्ना की माँ गीतांजलि अब नहीं रही। जी हाँ, बॉलीवुड को एक और बड़ी दुख की खबर मिली है। शोक की लहर पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दौड़ पड़ी है। अक्षय खन्ना की मां गीतांजलि, जिन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें बीती शनिवार के दिन ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गीतांजलि के जाने की खबर सबसे पहले उनके दोनों बेटे अक्षय और राहुल को ही मिली। जी हाँ, बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि, जिनके साथ विनोद खन्ना ने 14 साल की शादी के बाद तलाक ले लिया था। साल 1971 में जिस गीतांजलि के साथ अपनी बचपन की दोस्ती को शादी करना विनोद खन्ना ने दिया था, साल 1985 में उस गीतांजलि के साथ विनोद खन्ना ने हमेशा के लिए शादी का रिश्ता तलाक पर मुहर लगवा कर खत्म कर लिया था। लेकिन देखिए ना, तलाक होने के बावजूद तो दोनों एक दूसरे के साथ ना होने के बावजूद एक दूसरे के साथ रिश्ता तो रखते थे। शायद यही वजह है कि पति के जाने के 1 साल बाद ही गीतांजलि इस दुनिया को छोड़ गई। जी हाँ, आखिरी साल यानी कि साल 2017 के अप्रैल की महीने की अगर आपको वो बात याद हो तो वो कितना दुखद था बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, जहां बॉलीवुड के मशहूर चॉकलेटी बॉय विनोद खन्ना को खोने के गम ने बॉलीवुड को पूरी तरह से सदमा दिया था। गंभीर बीमारी कैंसर से जूझते विनोद खन्ना ने साल 2017 के अप्रैल के महीने में आखिरी सांसें ली थी, जिसके 1 साल बाद दिसंबर के महीने में उनकी पहली पत्नी गीतांजलि भी अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में अपने बेटों के सामने आखिरी सांसें। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से अक्षय खन्ना को ये खबर मिली और क्या क्या खबरें आई हैं गीतांजलि को लेकर। गीतांजलि और विनोद खन्ना की लव स्टोरी के बारे में कुछ खास बातें। अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना दोनों बेटों का क्या हाल है, किस तरह से बॉलीवुड को ये गम एक बार फिर से साल के आखिरी महीने में बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा रहा होगा। देखिए इस नेक्स्ट 9 न्यूज के आज के खास प्रोग्राम में गीतांजलि को लेकर ये यादें आपके लिए। ये साल बड़ा ही अजीब रहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहां एक तरफ सितारों के मेले को देखा गया खुशियों से झूमते, तो दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों से अलावा और भी गए सितारों को इस मौके को होते हुए देखा गया। सितारों की मंडली से कई ऐसे चेहरे चले गए हमेशा के लिए, जो इस दुनिया पर राज करते आए। फरवरी महीने में हवा हवाई क्वीन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन इसके बाद खबर आई, अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि को लेकर। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की एक्स वाइफ गीतांजलि, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 70 साल की उम्र में गीतांजलि हमेशा के लिए चल बसी। कुछ ऐसी खबरें थी कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मांडवा स्थित फार्म हाउस में गीतांजलि मौजूद थी, जहां पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल को गुजारती रही, जहां उनके बेटे भी उनके साथ थे। विनोद खन्ना के दोनों ही बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना दोनों अपनी मां गीतांजलि के साथ थे। बता दें आपको, विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि के साथ विनोद ने साल 1971 में शादी रचाई। दोनों ने अपनी जिंदगी बखूबी बेहद खूबसूरती से गुजारा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1985 में इनके शादी के रिश्ते को तलाक का मुहर लगने में देर नहीं लगा।
जिसके बाद कविता खन्ना के साथ विनोद खन्ना ने साल 1990 में शादी रचाई थी। खैर, पति के जाने के एक साल बाद ही गीतांजलि भी चली गई। गीतांजलि अपने पहले पति विनोद खन्ना से बचपन से ही प्यार करती थी। बचपन की दोस्ती थी जिस शादी का नाम इन्होंने बड़े होने के बाद दिया था, जिसके बाद विनोद खन्ना की पत्नी गीतांजलि फिल्म इंडस्ट्री से ना होने के बावजूद तमाम ऐसे काम कर चुकी थी जिसे हमेशा लोग याद करेंगे। गीतांजलि अपने बेटों के साथ रहती थी। आखिरी दिन 11 बजे के करीब फार्म हाउस पर वो पहुंची दोनों बेटों को लेकर, जहां उन्हें काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। फिर रात में बेचैनी बढ़ने की वजह से अचानक उनकी सांसें थम गई। अक्षय और राहुल उन्हें बचाने की कोशिश में उन्हें अलीबाग सिविल हॉस्पिटल लेकर तो गए, जो फार्म हाउस से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन अफसोस, शायद अस्पताल ले जाते वक्त उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि गीतांजलि का ये आखिरी दिन है। विनोद और गीतांजलि की मोहब्बत, जो कि शादी के रिश्ते में बंद कर स्कूल के दिनों की दोस्ती को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था, जिन्होंने तलाक के बावजूद एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ा था, ये खबर थी कि कविता संग शादी से पहले तक विनोद गीतांजलि से बातें भी करते थे। फिल्म मेरे अपने से लेकर दयावान और जब जैसी फिल्मों में काम करने वाले 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना, जिन्हें चॉकलेटी बॉय भी कहा जाता था, जिन्होंने तमाम बड़ी बड़ी हिट फिल्में की अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न के साथ, उन्होंने फिल्म अमर अकबर अंथोनी में भी काम किया, जाल जो साल 1977 की बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन अमिताभ बच्चन की ये करीबी विनोद साल 2017 में अपने जिंदगी के आखिरी समय को बड़े ही दर्द में गुजारते थे। दरअसल कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे थे विनोद। तब आखिरी समय में उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी कविता थी। हालांकि विनोद के जाने के कब अक्षय के साथ उनकी मां गीतांजलि भी अपने पति विनोद को आखिरी बार देखने पहुंची थी, जहां की तमाम तस्वीरों ने उनके चेहरे पर उस दुख को बयां किया था जिस दुख से शायद गीतांजलि उभर नहीं पाई। 70 साल की उम्र में गीतांजलि हमेशा के लिए चल पड़ी। विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि, जिन्होंने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लाइमलाइट ना बटोरी, लेकिन एक प्रोड्यूसर, एक इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन की पत्नी गीतांजलि विनोद खन्ना की बेहद चहेती थी। ये बात अलग है कि वो अपने बेटों के साथ रहे, लेकिन अपने बेटों के जन्म के बाद वो अपने पति के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारती थी। बता दें आपको इसी के साथ साथ गीतांजलि के जाने के तुरंत बाद रविवार के दिन वही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां अक्षय के दुख का कोई अंदाजा नहीं था। मां के जाने के गम में अक्षय पूरी तरह से डूबे हुए थे, रोकर उनका पूरी तरह से बेहाल था चेहरा कहें या फिर कुछ और, दिल का रोना शायद वो भी रोक ना पाए। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम गीतांजलि के जाने की, कैसे हमने आपको बताया ही है और हमें उम्मीद है ये बात आपके जहन में जरूर होगी, क्या वाकई में ये साल बॉलीवुड के लिए बेहद दुखी रहा। एक तरफ सितारों की मंडली ने नई शुरुआत की, तो दूसरी तरफ तमाम बड़े बड़े सितारों के खोने का वो दुख बॉलीवुड को हमेशा रहेगा। साल 2018 के दूसरे महीने फरवरी के महीने में चांदनी को खो देना, उसके बाद दिसंबर के महीने में चॉकलेटी बॉय विनोद खन्ना की पत्नी का चले जाना, इसी साल कपूर खानदान की सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी कि कृष्णा राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर। जैसा कि आप जानते हैं कृष्णा राज कपूर के बारे में हमने आपको ये बताया था कि वो भी
इस साल अपनी जिंदगी को आखिरी पल देकर चली गई। ये साल बॉलीवुड के लिए जहां एक तरफ बेहद सुखमय रहा तो दूसरी तरफ बेहद दुख भरा रहा। बॉलीवुड से कितने सितारों ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ा, और कुछ इस तरह से अक्षय खन्ना ने भी अपने पिता के बाद एक साल के अंदर अपने सिर पर से अपनी माँ का साया खोने का गम सहा है। खैर, वक्त आ गया है अब यहीं पर आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे इसी तरह कुछ बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़, और अपनी तरफ से नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की तरफ से और आपके लिए ये दुआएं हैं हमें कि आप दुआएं ज़रूर करेंगे अक्षय खन्ना और उनके परिवार को हिम्मत मिले, साहस मिले, और इस दुख की घड़ी को वो किसी तरह से मुश्किल से बाहर निकलने में हिम्मत जुटा सके। राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना को लेकर अपनी बातें ज़रूर रखें। विनोद खन्ना और गीतांजलि से जुड़ी अपनी यादें आप ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।